हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? सवाल का मिथिलेश चौधरी में चैनल में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज लॉकडाउन में कम ही चीज़ में हेल्दी और पौष्टिक चीज़ बनाने के लिए बता रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड, आज शुरू करते हैं मूंग दाल का हलवा बनाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड, ये मेरा है मूंग दाल हलवा बनाने का सारा सामान। तो मैं सबसे पहले ये मूंग दाल जो है सो धो ली हूँ, पानी भिगा के और सुखा ली थी। उसके बाद ग्राइंडर में जाकर मैं ग्राइंड कर ली हूँ। दरदरा सा है मेरा, पाउडर ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये मेरा पाउडर है, चीनी का शुगर पाउडर है, ये मैं तैयार कर ली हूँ। ये 250 ग्राम मेरा है और ये खोआ 100 ग्राम है, खोआ भी है इसमें और चीनी भी पाउडर कर ली हूँ मैं। फिर इधर से यहाँ पे आइए, यहाँ मेरा ड्राई फ्रूट है, ये है बादाम, ये है गरी, ये है काजू, ये किशमिश, ये इलायची। तो इस सब को मैं कट कर लूँगी और फ्राई करके घी में निकाल लूँगी, शुद्ध घी में। तो चीनी का पाउडर जो मैं बनाई हूँ, शुगर पाउडर, ये 100 ग्राम है। इससे ये 250 ग्राम दाल है तो 250 ग्राम का आधा 125 125 ग्राम होना चाहिए, लेकिन खोआ में भी मेरा चीनी है इसलिए हम 100 ग्राम इसको रखे हैं। उसके बाद ये दूध है मेरा, 1 किलो दूध को पूरे अच्छी तरह से मैं जला के गाढ़ा कर ली हूँ और आधा किलो ये दूध है मेरा, ये देसी घी है, शुद्ध घी, इसी में मैं बनाने जा रही हूँ। चलिए अब किचन में मैं देखिए फ्रेंड, कढ़ाई मेरा गरम है, अब मैं इसमें घी डाल दी हूँ। कढ़ाई मेरा गरम है, हम अब इसमें ड्राई फ्रूट निकाल रही हूँ पहले, तब मैं डालूँगी मूंग दाल। ड्राई फ्रूट मैं फ्राई कर रही हूँ, किशमिश फ्राई नहीं करूँगी, ये सब फ्राई करके मैं निकाल रही हूँ। सारे ड्राई फ्रूट मेरा फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसे निकाल रही हूँ। ब्राउन हो चुका है, अब मैं घी में डाल रही हूँ ये मूंग दाल का पाउडर जो मैं ड्राई करके ग्राइंड करके रखी थी। अब मैं इसे धीरे धीरे चलाऊंगी कम फ्लेम पे, ब्राउन होने तक मैं चलाऊंगी। देखिए फ्रेंड, ये मेरा इधर ब्राउन पूरा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें खोआ डाली। देखिए ये मेरा खोआ है, जितना था 100 ग्राम से ज़्यादा ही था, घर का तैयार किया हुआ खोआ था, मैं खोआ सारा इसमें डाल चुकी हूँ। अब मैं इसे खोए के साथ मिला रही हूँ। देखिए अच्छी तरीके से मेरा ब्राउन हो गया है, अब मैं इसमें खोआ डाल रही हूँ। धीरे धीरे मैं इसे ब्राउन करूँगी, खोआ को भी इसमें मिला लूँगी, उसके बाद मैं दूध और चीनी डालूँगी। खोआ डालने टाइम मैं भूल गई दिखाने के लिए, लेकिन वो खोआ जितना मैं रखी थी, देखिए ये मेरा खाली हो चुका है सारा, मैं डाल दी, 100 ग्राम से भी ज़्यादा मेरा था और मैं इसमें डाल चुकी हूँ। अब इसमें मैं दूध भी ऐड करती हूँ अच्छी तरीके से मिला के, लम्स नहीं हो, पहले मैं इसका लम्स तोड़ लेती हूँ तब मैं दूध डालती हूँ। अब मेरा लम्स ख़त्म हो गया है, अब नहीं है लम्स, अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ। दूध मेरा बिल्कुल गाढ़ा है, अब मैं इसको दूध में चला रही हूँ। अब इसको भी मुझे चलाते ही रहना है, नहीं तो ये हो जाएंगे, लम्स हो जाएंगे, जल जाएंगे। फ्रेंड ये चीनी मैं डाल रही हूँ, चीनी में थोड़ा दूंगी, कारण मेरा खोआ में भी चीनी था, 100 ग्राम दे चुकी मैं। इलायची पाउडर,
ये इलायची पाउडर दी, सारा ड्राई फ्रूट दे दी, चीनी दे दी। अब मुझे चलाते हुए इसको तैयार करना है। घी मैं थोड़ा सा और दे रही हूँ। देखिए अब मेरा बन के तैयार हो गया, घी मेरा छोड़ रहा है। देखिए देखिए फ्रेंड मेरा बन गया है, घी छोड़ रहा है। अब मैं इसे गैस बुझा रही हूँ, गैस बंद कर रही हूँ और मैं इसे निकालती हूँ सर्व के लिए। देखिए फ्रेंड मेरा बन चुका है पूरा हलवा, बना ली हूँ मैं सर्व करने के लिए, निकाल ली हूँ बाउल में और मैं पूरा इसको डेकोरेट कर ली हूँ। इस तरह से आप भी बनाएं और देखें टेस्ट करके कैसा लगता है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी होती है। तो यदि मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ। आप लोग भी घर में रहें, परिवार के साथ रहें, सुरक्षित रहें और हम भी अभी सुरक्षित हैं और हेल्दी खाना खाएं।